हेलो एवरीवन, आज हम एक अच्छी सी एक्टिविटी करने वाले हैं। एडिशन से रिलेटेड है। तो अनामिका, हम लोग आज कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं इस पे? प्लीज शो एडिशन, इट। यस। मैंने ये एक्टिविटी बनाई है और इसमें मैंने दो A4 साइज के पेपर लिए हैं, एक ग्रीन कलर और एक पिंक कलर। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। ऊपर ओके। वाले पेपर पे मैंने 4 ब्लॉक्स कट कर लिए हैं। आप सर्कल भी कट कर सकते हैं, बट बच्चे मैथ्स के ब्लॉक्स में ही लिखते हैं तो ये ब्लॉक ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उसमें उनको वेरी गुड। समझ में आते हैं। ये जो आइडिया है, स्पेशली जस्ट बिकॉज कि हम मैथ्स के कॉपी में ब्लॉक्स यूज़ करते हैं और ब्लॉक्स ही यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यस प्लीज़ कंटिन्यू। फिर मैंने इसको कट करके इसके पीछे सेलोफिन पेपर लगाया है। सेलोफिन पेपर क्यों लगाया है, अभी इस एक्टिविटी जब करेगा मेरा बच्चा तो आपको समझ में आएगा कि सेलोफिन पेपर का क्यों यूज़ हुआ है। और इसके पीछे सिंपल, ये सेलोफिन पेपर आपको कहीं भी मिल जाएगा और बहुत इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। बस आप पीछे सेलोफिन पेपर लगा के और उसके पीछे एक और A4 साइज की शीट ऐसे स्टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे फिर ये मैंने, आप स्केच पेन से बना दिया, आप पेन से बना सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं, आपके ऊपर है। T मतलब यहाँ पे 10 से, O मतलब यहाँ पे 1 से। और इसी तरीके से हम ये हमने वंस एंड टेंस का कॉन्सेप्ट लिया है, हम 100,000 है ना, हाँ, फिर फिर 100 में हम आपको एक और यहाँ पे ब्लॉक बनाना बिल्कुल पड़ेगा। थाउजेंड्स लेंगे तो आपको एक और ब्लॉक बनाना राइट पड़ेगा। आप राइट इससे बड़ी शीट यूज कर सकते हैं या तो ओके इसको लैंडस्केप फॉर्म में यूज कर ओके सकते हैं। फाइन। तो अभी हम लोग वंस एंड टेंस के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम एक जब एक्टिविटी बनाएंगे तो हम 100 के कॉन्सेप्ट को लेंगे। राइट ओके ठीक है। तो अब मैं 2 नंबर इसमें लिख रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेलोफिन का यूज़ इसलिए है कि मैं यहाँ पे मैं ऐसे अगर 3 और 5 लिख रही हूँ, यहाँ पे मुझे 4 लिखना था, बट मैंने गलती से अगर 2 लिख दिया तो उसको इजिली इरेज कर सकती हूँ। ओके और ये टाइम सेविंग भी है। जस्ट नहीं, आपको सिर्फ या तो अपने फिंगर से इरेज कर दीजिए या तो फिर आप एक सिंपल क्लॉथ या टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर ले लिया है 3 और 7। राइट। अब नाउ वन चाइल्ड विल गोइंग टू डू द एक्टिविटी। व्हाट इज द एडिशन ऑफ 7 प्लस 5? 12। 12। सो आपको यहाँ पे 12 लिखना है? नहीं, क्यों? बिकॉज इट इज द वंस प्लेस एंड वी ओनली राइट वन डिजिट एट वंस प्लेस। यस, हम एक सिर्फ एक ही डिजिट लिखते हैं, तो ये 1 वाली डिजिट कहाँ जाएगी? ये एरो कहाँ जा रहा है? अपवर्ड्स। हाँ, ऊपर जा रहा है। इट इज गोइंग अपवर्ड्स। सो वी विल टेक दिस लाइक दिस एंड वी विल स्टॉप हियर, क्योंकि यहाँ से तो बंद है ना ये, तो हम इसको बाहर नहीं ले जाएंगे, हम इसको यहाँ पर रोक देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है? अब नेक्स्ट क्या करना है? व्हाट विल यू डू? वी विल ऐड 3 एंड 3, इट विल बी 6, एंड वी विल ऐड द कैरी ओवर नंबर एंड द फाइनल आंसर विल बी 7। सेवन। सो द सम इज 72। ओके, फाइनल आंसर इज 72। पहले हम 1 डिजिट ऐड करेंगे, फिर हम 10 डिजिट ऐड करेंगे। नाउ आई एम रिमूविंग योर आंसर्स एंड आई एम इरेजिंग। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि आप टाइम वेस्ट किए बिना कई सारे बच्चों से, स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हैं या कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इस एक्टिविटी को। वो बोर हो जाते हैं कॉपी पे पेंसिल से लिखते या पेन से लिखते लिखते, तो ये एक्टिविटी उनको बहुत मज़ा आती है और बहुत मज़े से सीखते हैं वो एडिक्शन। अब हमने यहाँ पे हम अपनी डिजिट्स को चेंज कर सकते हैं ईजिली, बिना किसी इरेजर और बिना किसी एफर्ट के। बस सिंपली मुझे पेंसिल हाथ का अपना यूज़ करना है या तो हम टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने दूसरा नंबर दिया है 47, और इसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी 8 दे देते हैं, 38। फिर से आप एडिशन करो। एट प्लस एट इज 16। 16 एंड 1 विल गो फॉर कैरी ओवर। फॉर कैरी ओवर, वेरी गुड। नाउ वी विल गोइंग टू ऐड द 10 डिजिट्स। सो यस, 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8। सो हैव यू एंजॉयड द एक्टिविटी? यस। ओके, थैंक यू अनामिका फॉर दिस वंडरफुल एक्टिविटी।
और हम आगे नेक्स्ट कोई अच्छी सी एक्टिविटी लेकर के आएंगे वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अगर आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस एक्टिविटी को देख सकें और इससे कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच।